मैडम आपका पर्स गिर गया है। मेरा पर्स, मेरा बैग। ये कहाँ गए? शेखर, शेखर वो मेरा बैग, मेरा पर्स। अरे अरे बाबा शांत हो जाओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम तो मकान की रजिस्ट्री के पैसे देने जाने वाली थी ना। वो मैं वहीं जा रही थी, रास्ते में दो लड़कियों ने मेरा बैग छीन लिया और मैं उनके पीछे भागी, लेकिन वो लोग मिले ही नहीं मेरे को। मैंने कितनी मुश्किल से पाई पाई करके पैसे जमा करे थे, 5 लाख रुपए मुझे देने थे घर के। अब वो मेरा घर जब्त कर लेंगे, तुम्हें पता है अगर वो मेरे को पैसे नहीं मिले तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यार तुमने तो बड़ी मेहनत से पैसे जमा करे थे, अब हम इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? अच्छा तुम टेंशन ना लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम। अभी हम जो सबसे पहला काम करेंगे वो करेंगे पुलिस कंप्लेंट, तुम चलो मेरे साथ। पास जल्दी खोल। भाई भाई इसमें तो बहुत पैसा है और ये देख भरा पड़ा है। इतने सारे पैसे यार, मुझे तो लगा था कि बस 1000-2000 रुपए होंगे, ये तो कम से कम 3-4 लाख होंगे। यार इतने पैसे इसे कहाँ छुपाएं? यार देख इसे कहीं ना कहीं तो छुपाना होगा, क्योंकि ना मेरे घर वाले 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, अगर उन्हें पता चल गया ना वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। भाई मेरे भाई को पता लगा वो भी मेरी वाट लगा देगा, क्या करें? कुछ सोच भाई। अरे सुन सुन, तेरे घर वाले 2 दिन के लिए बाहर गए हैं ना, तू अपने घर में छुपा ले, 2 दिन बाद देखते हैं। पर सिर्फ 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं यार, बहुत दिक्कत होगी। तो जल्दी कर कोई आना चाहिए। ये रे अच्छा खर्चा तो करेंगे कम से कम, इसको ना ऐसी जो छुपाऊंगा जहाँ किसी की नजर ही ना जाए, ठीक है? मैं देखता हूँ। चल क्या हुआ भैया, परेशान लग रहे हो? हाँ सुमित, परेशानी की तो बात है, दरअसल मेरी एक फ्रेंड है, उसके पैसे चोरी हो गए। अब उसके पैसे जरूरी काम के लिए चाहिए, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने दे दिए अभी भी, लेकिन 3.5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 3.5 लाख रुपए का इंतजाम होगा तो होगा कहाँ से? मैं अरेंज कराऊं? अरे पागल तू कहाँ से अरेंज कराएगा, तू तो अभी कॉलेज में पढ़ता है, तेरे को कौन देगा 3.5 लाख रुपए, या फिर तेरे पास कहाँ से आएंगे 3.5 लाख रुपए? भैया रोशन मेरा एक कॉमन फ्रेंड है जो ब्याज पर पैसे देता है, और हमें जानता है तो हमसे ना बराबर ब्याज पर पैसे दे देगा। तेरे को लगता है कि वो ना के बराबर ब्याज पे पैसे दे देगा हमें, वो भी 3-3.5 लाख रुपए? हाँ मैं एक बार बात कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ। तो एक काम कर, उससे बात कर और फिर मेरे को बता, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है, ख्याल रखो बाबू। हाँ यहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा तब भी बढ़िया। यार ना बढ़िया भाई, तू बता। हाँ मूवी देखते हैं। अरे यार मूवी तो देख लेंगे, तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हो गया बोल भैया? आज भी आप कॉलेज नहीं गए? ये भैया आ जाते हैं अपनी बातों में आपको फंसा लेते हैं, और आप इनके चक्कर में कॉलेज भी नहीं जा पाते। मैं तो कहता हूँ आप इनकी संगत छोड़ दो, वरना ये आपको बिगाड़ देंगे और आपकी पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी। अगर अब आप कॉलेज नहीं गए तो मैं बड़े साहब को बता दूंगा। अबे ओए ये क्या फालतू की बात कर रहा है, जाके अपना काम कर। भाई क्या कर रहा है, बस इतना ही? अरे तेरे दोस्त की बेइज्जती कर रहा है ये, जो तेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है, तू इतना ही बोल रहा है? मैं होता ना मैं तो मार मार के भूत बना देता इसका। अबे ओए मेरी बात कान खुले सुन ले, साले तू इस घर का नौकर है, नौकर बन के रह, औकात में रह अपनी, मेरे बाप का ना मुखर बनी कोई जरूरत नहीं है, निकल यहां से। अबे चमकाना था आगे भी जुबान खोलता ये, अच्छे से चमका था साले को। बाहर देखते हैं। अच्छा ये बता तो क्या काम कर रहा था? अरे हाँ यार इसके चक्कर में है ना साला, जो मेन बात करनी थी वो भूल गया। मैं ये कह रहा हूँ पैसे रखने का जुगाड़ हो गया, अब तू ये सोच रहा होगा कि कैसे हुआ। अरे मेरे जो भैया है ना उनकी फ्रेंड को पैसे की बहुत जरूरत है,
कम से कम 2-3 लाख रुपए किया और उतना पैसा तो हमारे पास है ही, तो क्यों ना हम वहाँ पे देते पैसा। अब मैंने भैया को बोला है कि तेरा मेरे कॉमन फ्रेंड है, मैंने तेरा नाम नहीं लिया है, मैंने ये बोला कि वो बंदा ब्याज पे पैसे देता है, अब हम सारे पैसे उन्हें दे देते और थोड़ा थोड़ा लेंगे और ऐश करेंगे, क्या कहता है? अरे और तो हमारा पैसा भी निकल जाएगा और हम फंसेंगे भी नहीं। भाई सुपर प्लान है, मजा आ जाएगा यार, ऐश करेंगे छोड़ी जाओगे एकदम। अबे हाँ भाई, ये तो सही जुगाड़ होगा यार, इससे हमारे पैसे जो सेफ भी रहेंगे और किसी को भी शक भी नहीं होगा कि वो पैसे चोरी के हैं। हाँ सही कह रहा तू, दे देंगे भैया को, कोई ब्याज व्याज नहीं लेंगे। ठीक है, जब मैं तुझे बोलूँ तू टाइम से आ जाइए। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। हाँ चल। अरे बाबू तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मेरा भाई अभी आने वाला होगा, वो हमें पैसे दे देगा, और सबसे बड़ी बात तो ये है वो हमसे ब्याज भी ना के बराबर ले रहा है। यार मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगी उन लोगों की। शेखर ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरा पर्स चुराया था। अबे ये तो वही लड़की है जिसका पर्स लेके भागे थे हम। सुमित मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तूने आज मेरा सर शर्म से नीचे झुका दिया। अरे क्या कमी छोड़ी थी तेरी परवरिश में मैंने? बता क्यों किया तूने ऐसा? अरे शांत क्यों है, बोलता क्यों नहीं है, बोल। तुम दोनों इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो और फिर भी ऐसा काम कर रहे हो, अरे ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जो तुम दोनों ने चोरी का कदम उठाया? मुझे जानना है कि तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुमने चोरी की। अरे शांत क्यों हो, बोलो। अरे तुम दोनों क्या बोलोगे, तुम दोनों की खामोशी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम कितने बड़े गुनहगार हो। मैं तुम लोगों को इतना अच्छा बच्चा समझता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत करोगे। मुझे बताओ क्या लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि तुम दोनों पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनोगे, ताकि हम लोगों को, हमारी फैमिलियों को तुम लोगों पर गर्व होगा। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों अपने घर वालों से छिप कर इतना घिनौना काम करोगे। और सुमित तो, अरे तुझे तो अपना छोटा भाई कहते हो, मुझे शर्म आती है, मैंने क्या कमी छोड़ी थी तेरे लिए। लेकिन आज तेरी इन हरकतों ने यह चीज साबित कर दी है कि मैं एक अच्छा भाई नहीं हूं। भैया मुझे माफ कर दो, हम लोग ये मस्ती में करते थे, हमने, हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं था भैया, हमें माफ कर दो भैया प्लीज, अब नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे जिंदगी में, प्लीज हमें माफ कर दो। अरे तुम दोनों को पता है तुम्हारा ये घिनौना मजाक किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तुम दोनों के लिए चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बंदे से पूछो जिसकी चोरी होती है। अरे हो सकता है जिस बंदे की तुमने चोरी करी हो उसने जो पैसा इकट्ठा किया वो उसकी सालों की मेहनत हो, वो मकान लेना चाहता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके घर में कोई सीरियस कंडीशन में हो, जिंदगी और मौत की जंग के बीच वो लड़ रहा हो। तुम दोनों की इस हरकत से क्या होता है, बंदा जिंदगी और मौत की जंग तो हारता ही हारता है, और साथ ही साथ जिस बंदे की पैसे की चोरी होती है वो भी हिम्मत हार जाता है और जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाता है। और ऐसे में सामने वाले के दिल से बस एक ही आवाज निकलती है और वो आवाज होती है बद्दुआ की, और बद्दुआ की आवाज से बड़े घर तहस नहस हो जाते हैं, जिंदगी जीते जी बिल्कुल वीरान सी हो जाती है, बंदे के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और इंसान की जिंदगी जीते जी जहन्नुम हो जाती है। ऐसे में ना केवल उसकी जिंदगी में फर्क पड़ता है, बल्कि बद्दुआओं का असर तो ऐसा होता है कि जिस बंदे को बद्दुआ दी जाती है उसका पूरा परिवार बिखर के रह जाता है, उसका पूरा परिवार इन सब चीजों को भोगता है। इसलिए अपनी एक गलती के कारण अपने पूरे परिवार को सजा तो कम से कम मत ही दो। अरे इस बेचारे को देखो ना, इसने कितनी मेहनत से पैसे इकट्ठा किए थे, क्या हाल हो गया था इसका जब इसके पैसे चोरी हुए थे, इसके पांव से तो जमीन तक खिसक गई थी, ये मेरे पास आके रो रही थी, अपने आप को संभाल तक नहीं पा रही थी। ऐसा ही होता है लोगों के साथ अक्सर, कई लोग तो ऐसे में डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ऐसे में डिप्रेशन में जाने के बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो बंद कमरे में अकेले बस यही सोचते रहते कि हमसे जिंदगी में आखिर क्या कमी रह गई, हमसे जिंदगी में आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो गया। और किसी को डिप्रेशन में डाल के जिंदगी की अय्याशियां काटना एक कामचोर और कलंकी इंसान का काम है, ना कि एक इज्जतदार इंसान का। शर्म आती है तुम दोनों को अपना जान पहचान वाला या अपना भाई कहते हुए भी। भैया हम प्रॉमिस करते हैं हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, और दीदी आप भी हमें माफ कर दो,
हम आगे से कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गलती तुम्हारी आखिरी गलती होगी, और इसके बाद अगर तुमने गलती से भी कोई गलती करी तो उस गलती की सजा ये होगी कि तुम्हें हवालात की सजा काटनी पड़ेगी। अब जल्दी से पैसे दो ज्योति, तुम्हारे पैसे। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कब से देख रहे हैं, और ये भी बताएं कि क्या आप लोग हमारी वीडियो पूरी देखते हैं। अगर नहीं देखते तो जरूर देखा करें, क्योंकि क्या होता है ना कि आधी चीज कभी भी पूरी बात को कन्वे कर ही नहीं पाती है, तो इसलिए वीडियोस को पूरा देखें। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये देखा कि कहते हैं जो चोरी होती है ना, ये गलत काम है। इससे कई बार क्या होता है कि अगला बंदा मुसीबत में आ सकता है, और किसी की मुसीबत की वजह बनने की बजाय किसी की कहते हैं हेल्प की वजह बने, किसी की खुशी की वजह बने। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो का मैसेज पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ।